बिहार की धरती से हमेशा नए टैलेंट उभरते रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा एक बार फिर हुआ। दरअसल भागलपुर के सबौर के जमसी निवासी राजकिशोर सिंह के बेटे आकाश ने अपने हैरत अंगेज कला से देश भर के लोगों को चौंका दिया है। कलर चैनल पर हुनरबाज नामक शो में आकाश ने एरियल आर्ट और फ्लाइंग पोल पर अपना जौहर दिखाकर प्रोग्राम के जज मिथुन दा, करण जौहर और परिणीति चोपड़ा समेत सभी दर्शकों की सांसें रोक दी। 10 मिनट की अपनी कला में हर किसी को दंग कर दिया। आकाश का वीडियो सोशल मीडिया पर सांस रोककर लोग देख रहे हैं। आकाश के इस अद्भुत परफॉर्मेंस देखकर करण जौहर, मिथुन चक्रवर्ती और परिणीति चोपड़ा सिलेक्शन बजर बजाते हुए खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। इसे देखकर आकाश काफ़ी भावुक हो गए और उसके खुशी के आंसू बहने लगे। इसके बाद फिर परिणीति उसे गले लगाकर उनकी तारीफ की। आकाश ने भागलपुर से माया नगरी मुंबई का सफर काफ़ी पीड़ादायक है। आकाश का बचपन एक रूम के खपरेल के घर में बीता है। अभी भी आकाश की माँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। जब आकाश के पैतृक गांव सबौर के जमसी पहुंचा तो देखा कि आकाश की माँ अपने बेटे की तरक्की पर खुशी से रो पड़ी। माँ पोस्वा देवी ने बताया कि बहुत कष्ट से उसे पाला, धरती पर लिखना सिखाया, अब हमें अच्छा लग रहा है, वह इतना आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा, पता ही नहीं था कि वह हुनर के लिए प्रैक्टिस पढ़ाई के साथ साथ चोरी छिपे अपना प्रैक्टिस भी करता रहा है। गरीबी में पला बड़ा आकाश ने आखिर 2018 में गांव छोड़कर मुंबई चला गया। उस दरमियान लॉकडाउन भी लग गया, जिसके कारण मुंबई में ही वह जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजर करने लगा। टीवी में देखने के बाद पता लगा माँ को कि वह किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। आकाश के पिता निजी वाहन के चालक हैं। परिवार के लोग चाहते थे कि आकाश कहीं नौकरी कर परिवार का और अपना जीवन यापन करे। उन्हें यह डांस सब पसंद नहीं था, लेकिन अब उन्हें भी शान है और फक्र है। जाहिर है बेटे की तरक्की पर पिता का सीना गर्व से चौड़ा होता ही है, तो वहीं गांव घर के लोग आकाश की उपलब्धि पर काफ़ी खुश हैं और साथ ही साथ भागलपुर सहित पैतृक गांव के लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना और आशीर्वाद दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अफरोज अंसारी और आप देख रहे हैं इंडियन वॉइस टुडे। आप आकाश का नाम और उसके रियलिटी को आपने देखा, तो मैं अभी ग्राउंड लेवल से दिखा रहा हूं, जो आकाश सिंह का यह पैतृक आवास है, पैतृक गांव में जो आवास है ये आवास, और इनका यहीं पे मकान है, जन्म हुआ है, यहीं से शिक्षा हासिल भी हुई है, यहीं से पढ़े हैं आकाश जी। और यह देख सकते हैं जो आवास है, और इसे जो उन्होंने मंच में कहा, इस एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हुए उस मंच तक पहुंचे, तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप मीडियम फैमिली से या गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उस मकाम तक हासिल नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। आज समाज में कुतिया फैली हुई है, जिस तरह से कि आज गरीब बच्चे का जो बच्चा जो होता है, अगर उसमें कला होती है, लोग उसको पागल या और कई कई बातों से बोला जाता है, अफवाहें फैली जाती है, लेकिन सच्चाई उस वक्त आती है जब एक स्टेज पे, एक अच्छे स्टेज पे पहुंच जाता है और लोगों में परचम लहरने लगता है उस व्यक्ति का, तो उस वक्त पूरी वही जो आरोप लगाता है, विरोध करता है, उसी को लोग जो है पीछे आने लगते हैं। कहा जाता है कि संघर्ष में जो है अकेले रहता है इंसान, और सफलता होने के बाद पूरी दुनिया उसके साथ होती है। जस्ट लाइक उसी प्रकार से हो रहा है। आज देखिए, मध्यम फैमिली से उस स्टेज पे पहुंचना एक भागलपुर सहित पूरे बिहार के लिए गौरवान्वित की बात है। पूरा भागलपुर इस बात के लिए गौरव महसूस कर रहा है। शुभकामनाएं पूरी भागलपुर की जनता दे रही है कि आकाश जैसे लड़के ने इस मुकाम को हासिल किया है। भागलपुर से अफरोज अंसारी। नाम हुआ चाची? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी ना, तो बेटा जो है अभी जो है इस मुकाम पे गया है, तो आपको क्या क्या लग रहा है,
हम तो जिस दिन से टीवी पर देखे हैं उस दिन से हमको अच्छा लग रहा है। क्या भगवान सबका बेटा उसी तरह बने, अच्छा लगे। हम नहीं सोचते थे कि हमारा बेटा ऐसा निकलेगा, हम सोचते थे पढ़ा लिखा करके उसको कुछ सरकारी जॉब मिले, अच्छा से रहे। लेकिन कैसे कैसे सीख रहा था, डेली सीखते सीखते यहाँ से चला गया। तो बेटा जो है मतलब पढ़ भी रहा था? हाँ, मरवारी कॉलेज से बीकॉम किया। बीकॉम किया था ना? हाँ। यहाँ से मतलब जो है कब गए थे? 2018 में ना। तो आकाश के आप मम्मी हुए ना? हाँ। मतलब 2018 में गया तो फिर वहाँ से नहीं आया ना? तो कुछ क्या लग रहा था, मतलब क्या बोल के गया था? हम कुछ नहीं, हम तो सोच रहे थे तो कहीं कुछ नहीं, वो तो अब देखते हैं रोते धोता है, इसको खाना पानी नहीं मिलता था, वो हमको भी रुवाई छूटा, जो दुख यहाँ था वही दुख इसको वहाँ पर है जी। लेकिन उस दिन से देखे हैं, उस दिन से मन हमारा हुआ है क्या चलो हमारा बेटा कुछ लायक निकलेगा। अब के मतलब जो पिताजी यानी आपके हस्बैंड मतलब क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं दूसरे को, यानी ड्राइवर का काम करते हैं ना? प्राइवेट। आपका मकान मतलब यही है ना? हाँ, मकान ये टबला आपका मकान है? हाँ। सोचते थे क्या पढ़ने लिखने के लिए अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कोई सरकारी जॉब करेगा, लेकिन ऐसा था कि आप पहरबो करता था, कैसे चोरा करके सीखबो करता था जी। देखते देखते उसको दुख का याद आया, समय का ना उसका भाई पेट भरने लगा यहाँ। मम्मी पापा बहुत कष्ट में हम लोग थे, पहले गांव में गाड़ी चलाते थे तो 1500 रुपया मिलता था, उसके बाद भागलपुर में चलाते 3000-4000, उसी में बच्चा कैसे पोसाएंगे या पलाएगा। तो किसी तरह उसको पहले तो हम लोग ऐसा था क्या नहीं, हमको सास ससुर है नहीं कोई था, वो था तो परिवार अपना अपना था, तो हम गरीब आदमी थे तो धरती में पहले लिखाते थे कॉपी कलम भी नहीं जुटता था, एक ही कॉपी को 3-4 बार मिटाते थे, क्या बताएंगे। चाचा को देखे टीवी पे? हाँ, हम चाचा को अपने टीवी पे देखे थे तो बहुत वो रो रहे थे। बोलो बोलिए। इसके बाद रो रही थी और सब रो रहा था, तो इसलिए ना तो उस सिलेक्ट हो गई, तो बोल रहे थे कि हम बहुत गरीबी में थे, मेरे माता पिता मेरे बाप एक ड्राइवर थे। आप पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 4th क्लास में है। कौन स्कूल में? अभी तो हम सरकारी में पढ़ते हैं। अच्छा, चाचा को क्या मैसेज देना चाहिएगा? चाचा को भेज देंगे हम मैसेज देंगे कि बहुत अच्छे से रहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग के पास आए। क्या नाम है आपका? रिया सिंह है। रिया सिंह, आपका नाम क्या है? नाम सूरज सिंह है। आकाश के आप कौन लिखते हैं? आकाश के हम भाई हुए, बड़े भाई। जी जी। तो मतलब आकाश जो आज जो है इतने बड़े मंच पे सिलेक्शन हुआ भागलपुर का रहने वाला सबोर का, तो क्या मतलब जो है उनका संघर्ष क्या रहा, उतने जाने का क्या श्रेय रहा? वो बहुत ही संघर्ष थी। तो आकाश को क्या मतलब जो है इस लक्ष्य तक प्राप्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? उसने जो अपना जिद के थ्रू अपने हासिल किया सफलता को जी, तो भगवान करे को इसी तरह सक्सेस करता जाए और सबकी कृपा हो, थोड़ा सपोर्ट मिले जनता की, और सपोर्ट से वो और आगे बढ़ेगा जी। और हम लोग का कोशिश रहेगा कि उनको जहाँ तक हो सपोर्ट किया जाए, और जनता से भी अनुरोध है कि वो सपोर्ट करे जी। और कुछ मैसेज? और क्या, धन्यवाद। आकाश का जो सिलेक्शन हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत बढ़िया लगा हम लोग को देख करके। आप आकाश के कौन लगते हैं? हम उसका बड़ा भाई हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? बबलू सिंह। अच्छा, तो टीवी पे देखे तो क्या लग रहा था, इतना मुकाम पे पहुंचेगा कि नहीं?
बहुत बढ़िया लग रहा था हम लोग को देख करके। आपको कभी ऐसा लगा था कि इतना इतने बड़े मंच पे पहुंच जाएगा? नहीं सर, नहीं पहुँचे, इतना तो हम लोग ने जानते नहीं करते थे कि पहुँच नहीं पाएगा। जी जी। और आकाश को क्या कहना चाहेंगे, आकाश के बारे में लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लगा और जो है हम लोग को भी बढ़िया लगा कि आकाश जो है इतना दूर तक पहुंच गया। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे उसको? हम लोग तो आशीर्वाद दे रहे हैं कि खुश रहे। जी जी। और लक्ष्य की प्राप्ति करें। हाँ जी।